तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। जैसा कि पिछले क्लास में दो क्लास खत्म हो चुके हैं, तो उसी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। आईटीआई प्रथम ईयर का चैप्टर वन का ये एमसीक्यू है, तो आइए प्रारंभ करते हैं इसको। जैसा कि दो क्लास जो होता है थ्योरी का हम ले चुके हैं, उसी क्लास का एमसीक्यू आज जो हम कराने वाले हैं, तो आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, तो प्रश्न एक संख्या है, निम्न में से क्या एक विद्युत कार्य का कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन ए वैद्युत परिपथों की स्थापना करना, ऑप्शन बी पीसीबी परिपथ का निर्माण करना, ऑप्शन सी जो होता है मोटर की रिवाइंडिंग करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो बताइए सोच के इसका जवाब क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम बताते हैं पीसीबी क्या होता है। पीसीबी जो होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है, वैद्युत परिपथों की स्थापना करना। ऑप्शन ए में दिया हुआ है वैद्युत परिपथी क्या करना है, स्थापना करना। प्रश्न संख्या दो है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है कार्य में रुचि का न होना, ऑप्शन बी सुरक्षित पहनावा, ऑप्शन सी अत्यधिक उत्सुक होना, ऑप्शन डी अनुशासनहीन होना। तो इसका सही जवाब है सुरक्षित पहनावा। सुरक्षित पहनावा आप पहनेंगे तो एक्सीडेंट होने का कारण नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन ए मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, ऑप्शन बी किसी चाकू से तार को काट देना चाहिए, ऑप्शन सी पीड़ित व्यक्ति को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी एक विधि को अपना सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा पहले ऑप्शन ए पर हम लोग जाएंगे, मेन स्विच को क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि मेन स्विच जो होता है किस में लगा होता है, हमेशा फेज वायर में होता है, ठीक ना। प्रश्न संख्या चार, विद्युतमय तार के संपर्क में आए व्यक्ति को बचाव के लिए आप प्रथम कदम क्या उठाएंगे? ऑप्शन ए तत्काल डॉक्टर को बुलाएंगे, ऑप्शन बी उसका हाथ पकड़कर विद्युतमय तार से उसे छुड़ाएंगे, ऑप्शन सी विद्युतमय तार को पृथक करेंगे, ऑप्शन डी उसे अस्पताल लग जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए बताइए सोच के। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही करेक्ट जवाब है, उसे विद्युतमय तार से पृथक करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच, एक वैद्युत उपकरण को वैद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व निम्न में से क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है? ऑप्शन ए दिया हुआ है उपकरण पूर्णतः ठीक है, ऑप्शन बी उपकरण सप्लाई देने योग्य है, ऑप्शन सी उपकरण धात्विक भाग अर्थ है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी उपरोक्त में से क्या है, सभी है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए, तो ऑप्शन ए दिया है न्यूट्रल तार में, ऑप्शन बी अर्थिंग तार पर, ऑप्शन सी फेस तार पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है फेस तार पर, क्योंकि जितने भी प्रोटेक्टिव डिवाइस होती हैं, सुरक्षात्मक डिवाइस होती हैं, सभी क्या लगी होती है, फेस तार पर लगी होती हैं, ठीक ना। चाहे स्विच हो चाहे कुछ भी हो, हमारा क्या लगा होता है, फेज में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा के दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य होता है? ऑप्शन ए उपकरण का स्विच ऑफ कर लेना चाहिए, ऑप्शन बी उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद करना चाहिए, ऑप्शन सी मेन स्विच ऑफ करना चाहिए, ऑप्शन डी मेन स्विच ऑन करना चाहिए। तो देखिए सुरक्षा की दृष्टि से हमें क्या करना चाहिए, उपकरण का मेन स्विच जो होता है ऑफ कर लेना चाहिए, यानी ऑप्शन सी वाला सही जवाब है, यानी विद्युत सप्लाई जहाँ से आ रही है यानी उसे मेन स्विच कहते हैं, उसको हमें क्या कर लेना चाहिए, ऑफ कर लेना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या आठ पे, यदि हमें किसी फ्यूज
लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है तो इस स्थिति में सबसे उपयुक्त कदम क्या है? ऑप्शन ए, लकड़ी के टूल्स पर खड़ा होकर होना चाहिए। ऑप्शन बी, रबड़ के दस्ताने पहनना चाहिए। ऑप्शन सी, सिंगल पोल स्विच बंद करना चाहिए। ऑप्शन डी, मुख्य आपूर्ति को बंद करना चाहिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, मुख्य आपूर्ति को बंद करना चाहिए। प्रश्न संख्या 9, विद्युत कार के जूते बने होते हैं। ऑप्शन ए रबड़, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी चमड़े, ऑप्शन डी ये सभी। तो देखिए, इंसुलेशन की बात करते हैं, जिस पर इंसुलेशन ज़्यादा होता है वहाँ क्या होता है, सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या होता है, ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे, यानी रबड़ का बना होना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि रबड़ जो होता है ना, रबड़ इंसुलेशन का काम करता है। तो जितने भी पीवीसी तार वगैरह बनते हैं किसके बने होते हैं, कहीं कहीं वो रबड़ के ही होते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन से सुरक्षा उपकरण पीपीई के श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए चश्मा, ऑप्शन बी दस्ताने, ऑप्शन सी सुरक्षा पेटी और ऑप्शन डी ये सभी। तो पीपीई की सुरक्षा की दृष्टि में सभी आते हैं, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, यानी आप अपनी सुरक्षा में जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पीपीई। तो इसका ऑप्शन डी क्या है, सही जवाब है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन ए ढीले कपड़े, ऑप्शन बी टाई, ऑप्शन सी मफलर, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, ये सभी। क्योंकि टाई पहनेंगे तो मशीन आपको अपने ऑटोमेटिक खींच लेगी, ढीले कपड़े पहनेंगे तो भी दिक्कत होगी, ऑप्शन सी जो है मफलर उसमें भी दिक्कत होती है आपको, ठीक ना। क्योंकि मशीन चलती हुई मशीन पर ये सब कपड़े पहन के नहीं काम करना चाहिए। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय है? ऑप्शन ए सुरक्षा उपकरण को पहनना, ऑप्शन बी जाब मशीन और कार्यक्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना, ऑप्शन सी अपने तरीके से कार्य करना, ऑप्शन डी किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जाब मशीन और कार्यक्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा भौतिक खतरा है, यानी फिजिकल खतरा है? ऑप्शन ए धूम्रपान, ऑप्शन बी कंपन, ऑप्शन बी ऑप्शन सी क्षण, ऑप्शन डी रेडियो सक्रियता। तो इसका सही जवाब है कंपन, यानी वाइब्रेशन क्या होता है, फिजिकल खतरा है एक तरह से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का कारण संक्रमण हो सकता है? ऑप्शन ए विद्युतीय नुकसान, ऑप्शन बी जैविक नुकसान, ऑप्शन सी शारीरिक खतरा, ऑप्शन डी मानसिक नुकसान। तो इसका सही जवाब होना चाहिए बी अर्थात जैविक नुकसान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैद्युत सप्लाई की प्रकार होती है? तो ऑप्शन ए एसी प्रकार, ऑप्शन बी डीसी, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से दो, इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोगों को पता है कि विद्युत दो प्रकार की होती है, एक एसी होती है, दूसरी क्या होती है डीसी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर चलते अगले प्रश्न की तरफ। लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग का क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए दिया हुआ निषेधात्मक, ऑप्शन बी सकारात्मक, ऑप्शन सी सूचनात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए अर्थात निषेधात्मक। अब निषेधात्मक का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, पेट्रोल पंप पे करते हैं, ठीक ना। सूचनात्मक चिन्ह का डॉक्टर यूज करते हैं, डॉक्टर के सिंबल वगैरह सूचनात्मक चिन्ह बना होता है, ठीक ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह का धरातल किस आकार का होता है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी वृत्ताकार, ऑप्शन सी पिरामिडाकार, ऑप्शन डी वर्गाकार। तो इसका सही जवाब है वर्गाकार।
क्योंकि वर्गाकार जो होता है वो क्या होता है, इन्फॉर्मेटिव साइन एंड डॉक्टर वगैरह जो यूज करते हैं। वृत्ताकार की बात करें तो वृत्ताकार में दो साइन बने होते हैं, एक मैंडेटरी साइन और दूसरा क्या होता है आपका प्रोविएटिव साइन यानी निषेधात्मक साइन बनता है। त्रिभुजाकार की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, त्रिभुजाकार में आपका वार्निंग साइन यानी चेतावनी साइन बनता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।